बेटा इतना परेशान मत होने की जरूरत। पापा जी नहीं, आप हाथ मत लगाइए प्लीज। बेटा और क्यों ऐसा कर रही है तू? पापा जी अब दूर होके बैठिए पहले तो। मैं तो दूर ही दूर, दूर पापा जी अब दूर होके बैठिए प्लीज। मैं तो दूर ही बैठे। नहीं पापा जी अब दूर होके बैठिए। अपने आप को ज्यादा से बदमाश समझता है तू? तेरे को लगता है चाटे में कांप जाएगा तू? अरे छह रहने दे, तू मुझे मार दूंगा। साले उम्र में बड़ा है, तेरे को समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से, इतनी देर से समझा रहा हूँ। अरे पिक्चर तू तू कौन होता है? तो भाई शर्म कर ले पागल, तू लड़ रहा है मेरे से? शर्म आ रही तेरे को? तेरे को शर्म आ रही है? नीच काम करके तू मेरे पास उड़ा रहा है। हाथ नीचे रख, 10 बार समझा रहा हूँ, हाथ नीचे रख ले। तू आराम से बोलते है सारे, एक घुसे में ना रोता फिरेगा यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में द फिल्मी। अभी मैं तो गाइस आज की जो प्रॉब्लम है इशिता जी की है, इनकी प्रॉब्लम कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और वो भी इनकी फैमिली से रिलेटेड है। तो इस साथ मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, आप मेरी ऑडियंस को खुद समझाओगे तो बेटर रहेगा जी। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं अपने घर में बहुत दुखी हूँ, बहुत ही। और मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे ससुर की वजह से दुखी हूँ मैं। अच्छा, अपने ससुर की वजह से जी? क्योंकि उनकी नीयत बहुत गंदी है। अच्छा, नीयत गंदी नज़र से देखते हैं, नीयत गंदी है। और मेरे हस्बैंड घर पे है नहीं, वो बाहर है आजकल जॉब के वजह से। वो इतना मुझे परेशान करती, इतना परेशान करते। मैं उनको मेरे हस्बैंड को बताती हूँ, वो यकीन नहीं करते। वो मुझ पे चढ़ जाते हैं कि तू ही ऐसी होगी, तू ऐसे कैसे बोल सकती है मेरे पापा के बारे में, तू ही ऐसी है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं। आपका फिर मुझे मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। तो मतलब आपको बैड टच वगैरह भी करते हैं जी? ऐसे टच वच करते हैं, अगर साइड से निकलो तो मतलब ऐसे हाथ मार के निकलते हैं, मतलब बहुत ही बहुत परेशान करते हैं। तो कोई नहीं यार, आप ऐसा करो, आप उन्हें यहाँ बुला सकते हो? जी बुला सकते हैं। तो आप उन्हें यहाँ बुलाओ जी, और आपके हस्बैंड को प्रूफ चाहिए तो आज हम प्रूफ ले लेंगे यहाँ पे जी। ठीक है, तो देखो उनसे जो भी बात हो बातें निकलवाओ जी, जो जी। कर रहे हैं ठीक है, अच्छे से करना, ज़्यादा डरना मत, मैं यहीं पीछे ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ओके ओके। तो गाइस अभी वीडियो में बने रहना, इनकी प्रॉब्लम आज सॉल्व करके ही रहेंगे। और जाती बेटे पार्क में कैसे बैठो? पापा जी बैठो, पापा जी प्लीज आप हाथ मत लगाइए प्लीज। मैं आपके हाथ पकड़ने में क्या होता है, हाथ जोड़ती हूँ, आप दूर से बात करिए प्लीज मेरे से। मैं तो दूर से बात नहीं, पापा जी प्लीज, आपको ये सब सूट नहीं करता। सूट क्या करते हैं आप घर में? तो ऐसे नहीं पापा जी, नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब। क्या मैंने क्या कर दिया गलती? नहीं पापा जी, आप हाथ मत लगा करिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेहरबानी करके मेरे पे तरस खाइए, ऐसा हरकत मत कर दिए प्लीज। मैं आपके बेटी की उम्र की हूँ। वो तो मैं कुछ कर किए ही नहीं मैंने। नहीं पापा जी प्लीज प्लीज पापा जी, ऐसा कुछ मत करिए प्लीज पापा जी प्लीज। पापा जी दूर से बात करिए पापा जी, मैंने आपको यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है। नहीं पापा जी अब दूर से बात करिए। दूर से तो बात कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? आपकी हरकतें दिन ब दिन बहुत बेकार होती जा रही है पापा जी, बहुत। मैं तो कुछ हरकत कर ही नहीं मैंने। अब ये जो करते हैं हरकत, ये कैसे करते हैं? बेटा आज की जनरेशन में सब इतना तो चलता है पापा जी। नहीं पर मेरे को पसंद नहीं, पर मैंने ये तो घर में चलते है इतना। पापा जी प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए, मुझे मैं जैसे जी रही हूँ मेरे नरक मत करिए प्लीज। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, मेरे को नहीं पसंद पापा जी। मैं नहीं पापा जी प्लीज, मेरे को परेशान मत करिए प्लीज। मैं मेरे को घर में भी मत परेशान कर दे प्लीज पापा जी। आपके सामने हाथ जोड़ती आपको प्यार पड़ती हूँ पापा जी, मत करो। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ पापा जी प्लीज। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं पापा जी प्लीज, ऐसा मत करिए। नहीं पापा जी आप प्लीज, बहुत परेशान हो गई पापा जी मैं आपसे। बेटा इतना परेशान मत होने की जरूरत। पापा जी नहीं, आप हाथ मत लगाइए प्लीज। बेटा क्यों ऐसा कर रही है? पापा जी अब दूर होके बैठिए पहले तो। मैं तो दूर ही दूर। पापा जी अब दूर होके बैठिए प्लीज। मैं तो दूर ही बैठे। नहीं पापा जी अब दूर होके बैठिए, दूर होके बैठे, मुझे नहीं पसंद ये सब। तो क्या पसंद? मैं कुछ किया थोड़ी मैंने। बहुत परेशान कर रखा है पापा जी आपने, पूरी मेरी लाइफ खराब करके रखी है। मैं घर में अपने घर में सेफ नहीं हूँ पापा जी। क्यों नहीं सेफ? मैं अपने घर में सेफ नहीं, मैं बाहर सेफ नहीं, मैं घर में सेफ, मैं कहाँ पे सेफ हूँ पापा जी? घर में नहीं हूँ मैं, आपकी वजह से सेफ नहीं हूँ वहाँ पे। जो आपकी हरकतें हैं इस उम्र में आपको सूट करती है हरकतें? इतना तो चलते ही है। नहीं पापा जी नहीं चलेगा प्लीज, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तू हमारे नहीं पापा जी, हाथ मत लगाइए। अरे इतना तो घर में चलते ही है। नहीं मुझे नहीं पसंद ना पापा जी प्लीज। तू हमारी नहीं पापा जी है, ऐसी कोई बात नहीं, जानते हैं हम। पापा जी आप ऐसा मत करिए प्लीज। मैं तो कर ही नहीं रहा। नहीं पापा जी आप देखिए, आपकी उम्र लिहाज देखिए, आप मेरे बाप के समान है, आप मेरे पापा जी है, मेरे पति के मैं आपको इसलिए सहन करती हूँ क्योंकि आप मेरे पति के पापा हैं, इसलिए।
वो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें अपनी बहू समझता हूं। नहीं पापा जी आप हाथ दूर करिए, पापा जी प्लीज हाथ दूर करिए, अब दूर होके बैठिए। मुझे मैंने बात करने के लिए बुलाया आपको यहाँ पे। क्या बात करनी, बोलो। अब दूर होके बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपकी कब तक हरकत ऐसी चलती रहेगी आपकी? अरे ये हरकत नहीं है। नहीं ना पापा जी प्लीज। और बेटे, पापा जी हाथ मत लगाइए। अरे इतना चलता है बेटे? नहीं चलता पापा जी, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे को ये पसंद नहीं है, हमारी मेरे को ये पसंद नहीं है। पापा जी आप दूर होके बात करिए मुझसे प्लीज, मैंने आपको यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है। आप ये हरकतें बंद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे ये इसको हरकत नहीं कहते? नहीं पापा जी बहुत मैं परेशान हो गई, आप दूर होके बात करिए प्लीज। अरे मैं मेरे को पसंद नहीं पापा जी, मैं आपके हाथ सामने हाथ जोड़ दिया, आपके पैर पड़ती हूँ मेरे को। नहीं अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं पापा जी, अपने बच्चों को हाथ लगाने में पापा जी नहीं प्लीज, आप दूर होके बैठिए प्लीज। मैं तो दूर ही बैठे। हाँ जी पापा जी, मेरे को आप दूर से बात करिए बस। हाँ बोलिए। मुझे आपसे यही बात करनी है कि आप ऐसे हरकतें बंद कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, मैं आपकी जान दे दूंगी पापा जी प्लीज, आप दूर हो जाइए, आप ऐसे मत किया करें पापा जी प्लीज। मैं बहुत परेशान हो गई पापा जी आपसे। पापा जी हाथ मत लगाइए, बड़ों को प्यार देते हैं। नहीं पापा जी, पापा जी नहीं प्लीज, आप दूर होके बात करिए। अरे मैं दूर से नहीं पापा जी, बस बहुत हो गया। आप मेरे अब दूर होके बात करिए, आप दूर हो जाइए प्लीज, दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। अपने बच्चों के साथ बैठते हैं? नहीं दूर होके बात करिए आप मुझसे, मुझे बात करनी आपसे, दूर होके बात करिए। दूर हूँ बेटे मैं तो, दूर होके बात करिए। बहुत मैं बहुत परेशान हो गई हूँ पापा जी आपसे, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं अपने घर में बहुत परेशान हूँ। मैं तो किसी को परेशान करते ही नहीं। मैं अपने घर में सेफ नहीं रह सकती पापा जी आपकी वजह से, मैं अपने घर में सेफ नहीं रह सकती। क्यों नहीं सेफ रह? तू सेफ ही सेफ है। नहीं पापा जी आपकी वजह से नहीं सेफ हूँ मैं। तू सेफ है बेटे बिल्कुल। नहीं पापा जी मैं आपकी वजह से नहीं सेफ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ आपकी वजह से, बहुत आपने बहुत परेशान करके रखा है। ऐसे परेशान होने की बात ही नहीं। नहीं पापा जी हाथ मत लगाइए। अरे बेटा आपके यही टच से। नहीं पापा जी बहुत बहुत हो गया भैया, पापा जी प्लीज बहुत हो गया, आप दूर हो जाइए। मैं तो दूर हूँ बेटे, ऐसे ऐसे घबराए नहीं करते। नहीं पापा जी आपके आपके पैर जोड़ते हैं, आप मत करिए पापा जी प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करिए पापा जी, मत करिए, मैं बहुत परेशान हो गई। नहीं ना पापा जी प्लीज मत करिए। क्या हुआ ये मेरी बहू है? मैंने पूछा तेरी बहू है कि नहीं है, तो हम बहू राम ज्यादा सर ऐसे छेड़ रहे भोड़े, आधी उम्र बीत गई तेरी, आधा पाँव तेरा कवर में आ गया है और तू ऐसे छेड़ रहा है अपनी बहू को? अरे घर में एक ही परिवार के बंदे हैं। एक ही परिवार का बंदा है तो क्या करना, सेक्स करेगा उसके साथ? क्या कर रहा है ऐसे छेड़ेगा? अरे खड़ा हो, चल खड़ा हो, खड़ा हो, इज्जत दे रहा हूँ, उम्र में बड़ा इसलिए इज्जत दे रहा हूँ, नहीं तो अभी तक छू दे तेरे को मैं। कैसे छुए जा रहे हैं ऐसे ऐसे? बीवी नहीं होगी? नहीं बीवी नहीं है। ज्यादा जवानी आ गई तेरे अंदर बुढ़ापे में? अरे अपने घर के बच्चे, मेरे को सुन ले, बच्चों के साथ ऐसे करेगा और कैसे करेंगे? प्यार से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर, देख मेरे को मत समझा कि क्या कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है उस लड़की को, तेरे घर की बहू है, तेरा बेटा रहता नहीं है, तेरे को शर्म नहीं आती अपनी बेटी बेटी जैसी लड़की के साथ ऐसे काम कर रहा है? बात ही नहीं करी, बात ही नहीं करी। हाँ आधे घंटे से तेरा चूतियापा देख रहा हूँ मैं, आधे घंटे से दो तेजी शक्ल है तेरी। अरे मैंने कुछ नहीं किया। और तू हरामीपन दिखा रहा है यहाँ पे, मैं देख सच बता रहा हूँ, देख बूढ़े तेरी, मैं सही में सही इज्जत कर रहा हूँ बस तेरी उम्र की, तू मेरी उम्र का होता ना मैं तेरी फाड़ देता अभी तक, तो समझ बात को। अरे तू समझता क्या है अपने आप को, ज्यादा से बदमाश समझता है तू? हैं तेरे को लगता है एक चाटे में कांप जाएगा तू? अरे छह रहने दे, तू तू मुझे मारे, मैं तुझे मार दूंगा। हैं साले उम्र में बड़ा है, तेरे को समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से, हैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। अरे पीछे तू तू कौन होता है? अबे शर्म कर ले पागल, तू लड़ रहा है मेरे से, शर्म आ रही तेरे को? तेरे को शर्म आ रही है? नीच काम करके तू मेरे बात उड़ा रहा है? क्या देख क्या रहा है उधर, उधर क्या देख रहा है तू? बैठ नीचे बैठ, नीचे बैठ। हैं क्या चाहता क्या है? बनाऊ तेरी फिल्म, बुलाऊ तेरे बेटे को, बुला ले जिसको बुलाना है, लगाऊ तेरे चाटा? मेरे पे हाथ कैसे उठाया तूने? तूने कैसे उठाया? मेरे पे हाथ कैसे उठाया? तूने कैसे ना ये मुंडी पकड़ के निकाल दूंगा मैं। अरे मुंडी देख रहा है जो तू नीच काम कर रहा है ना अपनी बहू के साथ? पीछे हट तू, हाथ नीचे रख, 10 बार समझा रहा हूँ, हाथ नीचे रख ले। तू आराम से बोलते सारे घुसे में ना रोता फिरेगा यहाँ पे। देखा तूने अपना कहीं देखे है? अभी देख इस तू होता कौन है? तेरे को ना लिख के दे रहा हूँ, अगर ना मैंने तेरे से अभी से चार्ट लगवाया ना और ना ही तेरे बेटे को तेरी सच्चाई दिखाई तो मेरा नाम दिखा दे जिसको दिखाना है। किसी को नहीं दिखाना, सिर्फ तेरे बेटे को दिखाना है। दिखा दे फिर। कुत्ती सी हरकत है ना, तेरी नीच सी हरकत है शकल तेरी, मन में इतनी गालियाँ आ रही है ना, पर तेरे को क्या ही गाली दूं मैं? तुमने अपने पति को बताया, पति समझता नहीं है? पति को बताया वो यकीन ही नहीं करते मेरे पे। की शक्ल देख गुस्सा नहीं आता, मेरा मन कर रहा है सर फाड़ दूं मैं, पर इसकी उम्र ही ऐसी है साले की।
बहुत बार समझाने की कोशिश की, नहीं समझते ये। दांत तेरे 10 कमर बाहर निकल रहे हैं। अरे तू पहले अपना आप देख ले, तू कौन है? मैं बताऊं कौन हूँ? मैं बताऊं कौन हूँ? बता दे क्या है तू? तुम इस पे केस वेस कर सकती थी यार आराम से। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं देते, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते मुझे, वो मना करते हैं मुझे। जब हस्बैंड तुम्हारी बात नहीं मान रहा, अपनी सेफ्टी तो रखोगी तुम? हस्बैंड थोड़ी सब कुछ हो जाता है। तब तक इज्जत, दोनों जब तक इज्जत मिल रही है तुम्हें, ऐसे परिवार में, ऐसे नीचे परिवार में तुम पड़ी हो, कंगारू से शक्ल है इसकी। और तुमसे रैप्टा भी खाएगा अभी, तेरे को इज्जत भी दे दूंगा अच्छे से। अरे तू ध्यान दे बुड्ढे, सुनो मेरी बात। हां जी। कहाँ सेफ्टी अपनी, जहाँ ना हो ना वहाँ से निकल जाना चाहिए। जब तुम्हारा पति नहीं मान रहा है तो तुम एक्शन ले सकती हो उस पर अच्छे से, पुलिस को कॉल कर सकती हो जी। इस बुड्ढे के 10 चाटे लगा सकती हो तुम, इसमें कुछ नहीं है जी। एक चाटे में भागता फिरेगा शायद से घर से, छेड़ रहा है उसे। साले तेरे को शर्म नहीं आ रही है? ये तेरी ना जो हरकत है, तेरा बेटा मान नहीं रहा था ना, नहीं मान रहा था ना, नहीं मान रहे वो, बहुत बार बताया उनको। अपने पति को सुनाना, प्यार से मत समझाना, सुना के दिखाना। ये जो ओए बूढ़े सामने देख, तेरी फोटो खींच रही है वहाँ, अबे देखना सामने उल्लू, उस वक्त मैं तेरे अबे कैमरा देख, तेरी वीडियो बनाई है मैंने, देख रहा हूँ ठीक है। अब किस चीज़ की अकड़ दिखा रहा है तो तू किस चीज़ की अकड़ दिखा रहा है? तेरा एक लैपटॉप ही, ये जो वीडियो बनी है ना तेरी, तेरे को पता नहीं चल रहा होगा, ये वीडियो भी पुलिस स्टेशन जाएगी। जो तू ये टच वच कर रहा था ना, इसको ऐसे करके छेड़ रहा था। अरे मैंने इसको ऐसे की ही नहीं, वो देख अभी वीडियो में दिख जाएगा ठीक है। अपने हस्बैंड को भेजना कि तुम्हारा बाप दल्ला ऐसे काम करता है मेरे साथ ठीक है जी। और अच्छे से मैं ये वीडियो में तुम्हें दे दूंगा, भेज देना ठीक है। और चले बुड्ढे अब तो निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैंने सही करा गलत करा गाइस, मुझे आप कमेंट करके बताना कि जो भी डिसीजन मैंने लिया और जो भी मैंने तरीका आजमाया सही था कि गलत था। इन सब पे बातें छोड़ते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, DM करो, मैं आपसे डेफिनेटली बात करूँगा। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।